नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। दो माँ की मासूम हार गई जिंदगी की जंग। पड़ोसी की डांट सुनकर 13 वर्षीय बालिका ने मौत को गले लगाया। पुलिस के अधिकारियों द्वारा मारपीट पर विधायक के गर्म तेवर। धूमधाम से निकाली झांकियों के साथ चेटीचंड का हुआ समापन। जानवर द्वारा गेहूं की फसल खाने पर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। आरोन में हिंदू जागरण मंच द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। हिंदू नववर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जानवर द्वारा गेहूं की फसल खाने पर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। आरोन में हिंदू जागरण मंच द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। हिंदू नववर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दो माँ के मासूम जिसका नाम त्रशा है, अचानक रात को बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल में इलाज के चलते अपनी जिंदगी से हार गई। मासूम अपनी माँ के साथ इंदौर की रहवासी है और त्रशा के पिता भोपाल के मिल में काम करते हैं। त्रशा के माता पिता 1.5 वर्ष पहले शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन घरेलू विवाद के चलते त्रशा की माँ ने इंदौर आके अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया। मिर्गी के पेट आ रहे थे तो 7 दिन पहले से आ रहे थे, तो 7 दिन से बहुत सीरियस थी बच्ची, वेंटिलेटर वगैरह में थी। तो आज डॉक्टर ने बोला इनके पिताजी ने आरोप ये लगाया है कि इनका हमने कुछ करा है। वो क्यों नहीं आ रहे थे? दो महीने से हमारा केस, सिस्टर का केस लगा हुआ है। हाँ, भोपाल से ये इंदौर में ही लगा हुआ। ठीक है। पड़ोसी की डांट से आहत होकर 13 वर्षीय बालिका ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया और MIG थाना के भमोरी इलाके में इस घटना से सारा इलाका सन है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने ऐसा कदम उठाया। पढ़ाई में भी अच्छी होशियारी थी, तो पड़ोसी ने इसको कुछ बोल दिया होगा, अंतिम पाटिल नाम है का उसका, कि तेरे पापा से आज शाम को मैं तेरी शिकायत करता हूँ, ऐसा कुछ बोला होगा। तो उस वजह से, हाँ, डांट दिया था उसे, तो उस वजह से उसने डर के मारे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। काफ़ी देर तक खोला नहीं, फिर हम लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी, फिर खिड़की तोड़ के देखी तो फांसी पर लटकी हुई थी। फिर हम लोग अंदर गए, उसको फंदे से उतारा, फिर हॉस्पिटल लेकर आए। कौन था वो जिसने उसको चिल्लाया था? अंतिम पाटिल पड़ोस में रहता है। आयुषी पिता संजय देवड़ा, उम्र 13 साल, निवासी 326 छोटी बमौरी इंदौर। निकल दिनांक 29/3/17 को 2:30 के बीच में कमरे के अंदर बंद होकर पंखे से फंदा लगाकर फांसी लगा ली। क्या कारण आया? कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, जांच में। पुलिस के अधिकारियों द्वारा मारपीट पर विधायक के गर्म तेवर। जी हां, टावर चौराहे पर पुलिस द्वारा हेलमेट के कार्रवाई किए जाने पर दो लोगों से मारपीट का मामला सामने आया है और इस मामले में पुलिस कर्मियों पर विधायक जीतू पटवारी ने DIG ऑफिस पहुंचकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। टावर चौराहे से ये उन्होंने साथी वालों ने रोका हमको, हेलमेट की हमसे रसीद मांगी 250 रुपए की, हमने 250 रुपए की रसीद भी काटी। थोड़ा सा मैं ये बोलता कि भाई लोग और भी जा रहा है, इनका क्या? तो मेरे कमले साहब ने कॉलर पकड़ी, इतने में दो पीछे से आए, एक ने लात मारी और एक ने झपड़ मारा और पटक दिया। 20,000 की गड्डी भी गायब हो गई हमारी, और बहुत ही मारा उन्होंने, इतना मारा कि आतंकवादी समझ रहे थे क्या? 3 लाख का केस था, 3 लाख का केस था, उसमें से 2 गड्डी गायब। हमारे सरपंच जी और उनके परिवार के लोग मोटरसाइकिल से मंडी से अनाज बेच के पैसा इकट्ठा किया हुआ, चूँकि सोसाइटी में भरना था, उसका लास्ट समय चल रहा है, तो ब्याज नहीं लगे इसके लिए जल्दीबाजी में जा रहे थे। ऐसे में हेलमेट को लेकर पुलिस विभाग के हमारे थाना प्रभारी, भौरकुआ थाना के अंतर्गत जो भी कर्मचारी थे, कामले नाम बताया, ट्रैफिक के जो भी कर्मचारी थे, मुझे पता नहीं है अभी रसीद आएगी उसमें पता चलेगा, उन्होंने रसीद फाड़ी, रसीद ले ली। जिनकी रसीद काटी उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही दोषी थोड़ी, सारा ये चल रहा है, इनको भी एक दो को पकड़ लो। तो एक अपराधी को जैसा मारा जाता है, जैसा आतंकवादी को पीटा जाता है, रोड पे लोटा लोटा कर किसी भी व्यक्ति को, सरपंच को इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया जो निंदनीय है। हमने मिस्टर जी कहा है कि उनको सस्पेंड करना चाहिए। पुलिस छोटे कर्मचारी की इज्जत करना आम जनता का, जनप्रतिनिधि का धर्म है, मेरा भी है।
उनका साथ देना, उनकी समस्याओं में खड़े होना, ये भी मेरा दायित्व है, वो मैं करता भी हूँ। पर इस तरीके का अव्यवहारिक दृष्टिकोण अगर कोई व्यक्ति करेगा, कोई कर्मचारी करेगा, उसको माफ नहीं किया जा सकता। पूरे शहर में धूमधाम से झांकियां निकाली गई। सिंधी कॉलोनी के आराध्य देव भगवान झूलेलाल की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में स्थानीय जनता को देखकर उनके भक्ति का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। शोभा यात्रा को बहुत ही बड़े और विस्तृत रूप से आयोजित किया गया। शुरुआत में शोभा यात्रा का छतरी बाग के झूलेलाल मंदिर में पूजा अर्चना की गई और फिर शहर में कई क्षेत्रों से होकर यात्रा सिंधी कॉलोनी पहुंची। यात्रा में सारे भक्त भक्ति में झूमते दिखाई दिए। यात्रा का विभिन्न मंचों में स्वागत सत्कार किया गया और देव भाटिया ने अपने सहयोगी द्वारा यात्रा का सम्मान किया। और अभी जो जुलूस चल रहा है, जिसके स्वागत के लिए 101 स्थान पर हम लोगों ने अलग अलग स्टेजेस लगाए हैं और लगभग खाने पीने की वेजिटेरियन सभी चीज़ों का आज फ्री में दिया जाना हमारे लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। यानी अगर हम रोटी से शुरू करें, पूड़ी सब्जी हो, चाहे साबुदाने की खिचड़ी हो, या आइसक्रीम हो, या मंचूरियन हो, इवन की रबड़ी मलाई हो, जूस हो, मैंगो शेक हो, सब तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ से बांटी जाती हैं। समोसे, कचौरी, आलू बड़े, ये चीज़ें भी सब फ्री में। आज के दिन हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे अर्ध भगवान देव का जो झूलेलाल जी का जन्मोत्सव है, उसको हम अच्छे तरीके से मना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर, खबर 9। गुना जिले के आरोन से करीब 15 या 16 किलोमीटर दूर ग्राम खेडली डांग में भील समुदाय के दो पक्षों में फसल को लेकर विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार खेत में कटी रखी गेहूं की फसल को दूसरे पक्ष के जानवर ने खा लिया था, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष के बीच धारदार हथियारों से हमला भी किया गया। विवाद में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। दो भील पक्ष जो खेडली डांग गाँव के रहने वाले हैं, इनका पूर्व से भी विवाद चल रहा था। आज खेत में कटे हुए गेहूं की फसल रखी हुई थी, जिसमें से एक पक्ष की भैंस ने उस गेहूं को खा लिया, जिसमें से इनका विवाद हुआ। एक पक्ष के साथ लोग लाठी, हसिया, फरसा और कुल्हाड़ी लेके एकत्रित हो गए, जिसमें से इनके द्वारा गंगा राव, उसकी पत्नी और उसके बच्चों पर हमला कर दिया गया, जिससे उनके सिर और कंधे और शरीर के अन्य भागों पर गंभीर चोटें आई, जिस पर से धारा 307, 147, 148, 149 और 323 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी गण अभी अपने घरों से फरार हैं, पुलिस मौके पर तैनात है। गुना जिले के आरोन में आज हिंदू जागरण मंच द्वारा हिंदू नववर्ष के पावन पर्व पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि दास हनुमान मंदिर सनातन धर्मशाला से प्रारंभ हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए संत कादिक आश्रम पहुंची, जहां पर भारत माता की आरती हुई और प्रसादी वितरण हुआ। शोभा यात्रा बड़े ही जोर शोर से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुना जिले के आरोन में हिंदू नववर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिंदू भाइयों ने अपने अपने घर के ऊपर भगवा ध्वज लगाए व एक दूसरे को बधाइयां दी। इसी के उपलक्ष्य में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता ने घर घर जाकर गले लगकर सभी हिंदू भाइयों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी, उनको तिलक लगाया और उनको नीम की पत्ती भी खिलाए। आज हमने नगर में भ्रमण पर निकले हैं और सभी लोगों को गले लगाकर व चरण लगाकर टीका लगाकर व चरण स्पर्श करके नीम और आरोन से कैमरामैन मिथुन शर्मा के साथ गोविंद प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।